नेक्स्ट पार्ट है फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क क्या होता है, बेसिकली मोल्ड होती है जो भी हमें डिजायर्ड शेप प्रोवाइड करनी होती है बीम या कॉलम के किसी को भी, जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मवर्क डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने हो सकते हैं, टिम्बर के, प्लाईवुड के, स्टील के, कॉन्क्रीट के, किसी के भी बने, मतलब सॉरी स्टील के बने हो सकते हैं, कॉन्क्रीट के बने, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के फॉर्मवर्क होते हैं। बेसिकली फॉर्मवर्क का मेन फंक्शन क्या है, किसी भी कॉन्क्रीट के सरफेस को उसके डिजायर्ड शेप प्रोवाइड करना। ठीक है, इकोनॉमी किसमें होगी फॉर्मवर्क के, अगर हमारा जो फॉर्मवर्क यूज कर रहे हैं हम, जो हमारे बीम कॉलम के साइजेस वो हर तरह से सेम रहे, अगर हम बीम कॉलम के साइजेस का वेरिएशन करते रहेंगे तो फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड है हमें, ठीक है, उनका साइजेस भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि कोई भी वेरिएशन इन साइजेस ना हो। ठीक है, हमारे जो बेसिकली सेक्शंस आए, ठीक है, उनमें कोई बेसिकली जो अगर कॉलम कोई आ रहा है तो ठीक है, कोई उसमें जो है ज़्यादा लंबे सेक्शंस ना यूज़ हो, ठीक है, और हमारा जो है बेसिकली जो फॉर्मवर्क का कटिंग हो, या मान लो कहीं भी कोई फॉर्मवर्क हमारा कम्प्लीटली फिट नहीं हो रहा है तो कटिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो, तो बेसिकली वो इकोनॉमिक है कि हमारी कैसे भी कह तरह के जो भी हम फॉर्मवर्क यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कम हो। अब टेक्निकल रिक्वायरमेंट में क्या होगा, फॉर्मवर्क हमारा स्मूथ हो ताकि हमारा जो कंक्रीट की जो फिनिशिंग है एक स्मूथ सरफेस आए, ठीक है, उसमें ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, कोई होल्स ना हो, ठीक है, क्योंकि कोई कंक्रीट आउट पोर ना पोर आउट ना हो रही हो, जो भी हमारा जो है फॉर्मवर्क यूज़ हो रहा है वो किसी तरह से डिस्टॉर्टेड शेप का ना हो, क्योंकि हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है फिर वो भी डिस्टॉर्टेड आएगा। ठीक है, अगर हम जो फॉर्मवर्क है वो सफिशियंट स्ट्रेंथ का होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आप कंक्रीट को पोर कर रहे हो किसी हाइट से तो प्रेशर लगाएगी जो हमारे फॉर्मवर्क है, अगर वो प्रेशर लगाएगी और वो हमारा फॉर्मवर्क है वो होल्ड अप नहीं कर पाया तो जो सारा जो है सारा जो कंक्रीट है पोर आउट हो जाएगा। ठीक है, उसकी स्पेसिफिक शेप का होना चाहिए ताकि जो है हमारा मतलब जो शेप होनी चाहिए उसकी परफेक्ट होनी चाहिए, शेप में कोई उसका डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, और जो भी हमें रिक्वायरमेंट होनी उसके रेस्पेक्ट में हमारी शेप होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला है हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है हमारी फॉर्मवर्क की। तो बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये होगी कि मतलब इजीली लेस वेट का जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हो, मतलब जैसे मान लो आपको किसी ऊपर जो है आपको कंस्ट्रक्शन करना है, मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग है, और अगर आप मान लो किसी फोर्थ फिफ्थ फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको चाहेंगे जो फॉर्मवर्क हो वो लाइट इन वेट हो, कोई हैवी वेट के ना हो, ठीक है, और उसके बाद में जो फॉर्मवर्क आप यूज़ कर रहे हो कि वो हर जगह इंटरचेंजेबल हो, कि वो स्लैब वाला कॉलम में भी यूज़ हो सकते हैं, कॉलम वाला कहीं और पे भी यूज़ हो सकता है, और इजिली फिट हो जाए, ऐसा ना हो कि फिट करने में भी आपको बार बार प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, फॉर्मवर्क अगर मान लो आपके लिए स्लैब के लिए बनाना तो इजीली बिल्ड हो पाए, ठीक है, और लाइट वेट हो और स्ट्रेंथ ज्यादा हो। ठीक है, और इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट में तो सबसे पता है कि भाई लो कॉस्ट मटेरियल का बना हो, उसकी फिनिशिंग अच्छी हो, हर जगह यूज हो जा पाए, इजीली अडेप्टेबल हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक उसकी ड्यूरेबिलिटी रहे। ठीक है, ये बेसिकली उसकी इकोनॉमिक, तो मतलब आप जो एक पॉइंट आप बना सकते हो इन सारे का, हर एक का दो दो पॉइंट मिलके बना दो कि हमें जो रिक्वायरमेंट क्यों है किसी फॉर्मवर्क की, ये हो सकता है अगर कोई क्वेश्चन पूछते फॉर्मवर्क क्या होता है, ठीक है, और उसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, तो दो पॉइंट आप इकोनॉमी से बता सकते हो, दो पॉइंट टेक्निकल से बता सकते हो, दो पॉइंट फंक्शनल से बता सकते हो, दो पॉइंट इकोनॉमिक से बता दिए। ठीक है, अब अलग अलग तरह के होते हैं, अब प्लाईवुड क्या होता है, सिंपल एक तरह से वुड ही होती है जो एक स्मूथ सरफेस की होती है। ठीक है, तो हम प्लाईवुड जो है प्लाईवुड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लाईवुड जो है एक तरह से कॉस्टली हो जाती है सिंपल टिम्बर से कंपेयर करें तो, लेकिन जो इसमें जो क्या बोल सकते हैं, लेकिन ये जो सरफेस प्रोवाइड करेगी हमारे कंक्रीट के किसी भी सरफेस को एकदम स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्लाईवुड, प्लाईवुड वाले में जो होगा हमारा जो सरफेस होगा वो एकदम स्मूथ होगा, तो हमारा जो कंक्रीट का जो सरफेस बनेगा जो वो भी स्मूथ बनेगा, और प्लाईवुड जो है हमारा
जो हम यूज करते हैं वो लाइट वेट होता है, तो अगर हमें किसी जो है ट्रांसपोर्ट भी करना है ना, अगर हमारा फॉर्म वर्क, तो इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर पाएंगे हम। ठीक है, अगला है टिम्बर, लकड़ी। लकड़ी बेसिकली हमारी जो है हर जगह यूज होती है हमारे फॉर्म वर्क के केस में। हर जगह आप लगाओगे तो आप हमेशा टिम्बर ही यूज कर सकते हो। अगर टिम्बर टूट भी जाए तो आप कहीं ना कहीं उसे फिट कर लेते हो। तो बेसिकली आप टिम्बर में क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए कि टिम्बर वाटर एब्जॉर्ब ना करे, मतलब वेल सीजनड होनी चाहिए। ठीक है, सीजनिंग का वैसे मतलब होता है ड्राइंग करना, कि मतलब सीजनिंग का मतलब ये होता है कि कौन जो हमारी टिम्बर हो वो अपना जितना भी आपका क्या बोल सकते हैं वाटर प्रेजेंट हो उसमें, सारा जो वाटर प्रेजेंट हो उसमें रिमूव हो जाए। ठीक है, लाइट इन वेट हो, ठीक है, सरफेस उसका स्मूथ हो, ठीक है, इस तरह से उसके टिम्बर का फॉर्म वर्क की हमें रिक्वायरमेंट है। अगला हो गया स्टील, फैब्रिकेटेड जो उसके पार्ट्स होंगे अलग अलग शेप के जो भी हमें रिक्वायर्ड होंगे, सिमिलरली एल्यूमिनियम के भी होते हैं। प्लास्टिक के भी यूज होते हैं। अब ये है ना, उसमें किसी स्लैब वर्क का आपको फॉर्म वर्क दिखा रखा है कि भाई स्लैब के को जो उसमें जो बल्ली यूज होती है उसके उसके ऊपर से हमने सपोर्ट कर रखा है बल्ली से, और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल करके वुडनिंग ब्लैंक ब्लैंक लगा रखा है मतलब, और एक जैसे लकड़ी के फट्टे लगा रखे हैं। ठीक है, और उनको सपोर्ट कर रखा है। ठीक है, और ये पूरी जो है ये वाला जो है ये पूरा एक पूरा क्लोज सरफेस है। ठीक है, ये जो वुडन ब्लैंक है इस पे हमने कंक्रीट को पोर कर रहे हैं। ठीक है, जब तक कंक्रीट अपनी डिजायर्ड जो है हमारी स्ट्रेंथ गेन नहीं करेगी, जब तक हम स्लैब के केस में हमारे ब्लैंक्स जो है हमारे जो मतलब फॉर्म वर्क है वो लगा के रखते हैं। अब ये एक और बता रखा है इसी सेक्शन का एक और डिटेल, मान लो कि भाई ये फॉर्म वर्क है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म वर्क है। ठीक है, इसको सपोर्ट कर रखा है जॉइस्ट। ये कहता है कि जो भी किसी मेटल को मतलब कोई भी लकड़ी या किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं हम, तो एक हॉरिज जो भी एक मेंबर यूज कर रहे हैं सपोर्टिंग के केस में, तो उसे जॉइस्ट कहते हैं। मतलब कोई भी लेंथ, कोई भी मेंबर जो किसी भी चीज को सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है, चाहे टिम्बर का हो चाहे स्टील का हो, मतलब उसे कहते हैं जॉइस्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे 150x50 का जॉइस्ट यूज कर रखा है, जो ये जो हमारा जो मतलब एक तरह से कॉलम की तरह सा हो रहा है, जो बल्ली हमने लगा रखी है उसको बल्ली के ऊपर हमने एक जॉइस्ट लगा रखा है जो सपोर्ट कर रहा है ऊपर वाले वुडन फॉर्म वर्क को। इस तरह से हमने एक सर्कुलर कॉलम के लिए हमें ये तो एलिवेशन दिखा रखा। ठीक है, ये उसका प्लान दिखा रखा कि मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक हमने वेज लगा रखा, जो भी ट्रायंगुलर वेज होगा या फिर टी शेप्ड के वेज होंगे उसे क्लीट कहते हैं। ठीक है, ये हमने क्या करा, इसमें एक प्लाईवुड लगा दी, सर्कुलर प्लाईवुड। ठीक है, और ये इनर लाइनिंग है प्लाईवुड। ठीक है, ये हो गई सर्कुलर जो भी हमारा मोल्ड है। ठीक है, ये आउटर आउटर वाला, अंदर वाला ये जो है ये ब्लैक कलर की लाइन दिखा रखी, ये हो गई प्लाईवुड की लाइनिंग। क्लीट हो गया जो भी ट्रायंगुलर वेज हम यूज कर रहे हैं या फिर टी शेप्ड का जो भी वेज है। ठीक है, यहाँ पे हमने बोल्टिंग कर दी। ठीक है, ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, हमारा मोल्ड हो गया, और इसके अंदर हम कंक्रीट की पोरिंग कर रहे हैं। ये जो सरफेस है ना अंदर वाला जो लाइट कलर का दिखा रखा है वो पूरी कंक्रीट है, और ये जो डार्क कलर का दिखा रखा है यहाँ पे इसमें आउटर में, ये हमारी मोल्ड है। अब इसी का ही एलिवेशन देखें तो एलिवेशन मतलब क्या होता है, फ्रंट व्यू। मतलब अगर आप किसी डोर का फ्रंट व्यू देखोगे तो उसे बोलते हैं एलिवेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये दिखा रखा कि भाई ये एक कॉलर है जो इसके आउट मतलब पूरे जो सर्कुलर जो हमारा मोल्ड है उसके आउटसाइड जा रही है। ठीक है, और ये हम उसे बोल्टिंग से करके उसे बंद कर रहे हैं, और ये बता रखा कि एक शीटिंग है, कि भाई जो हमारा जो सर्कुलर मोल्ड है जो चारों तरफ जा रही है वो शीट से बना हुआ है।
सिमिलरली ये कॉलम का फॉर्मवर्क दिखा रखा है भाई, ये कॉलम है, हमने उसके हॉरिजॉन्टल फट्टे लगा रखे हैं, ठीक है, मतलब वुडन ब्लैंक्स लगा रखे हैं, और उनको हमने एक कॉलर से बंद कर रखा है, ठीक है, और इसके अंदर स्टील है, ये माइल्ड स्टील है, ठीक है, MS बार जो लिखा हुआ है, माइल्ड स्टील की बार्स है, और इसमें सीमेंट कॉन्क्रीट है, ऊपर से पोर कर रहे हैं, और 20 mm फाई का मतलब है 20 mm जो है इसकी डाया यूज हो रही है बोल्ट की, ठीक है, फाई डाया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये इस पैकिंग की यहाँ पे ऊपर से प्लान दिखा रखा है, ठीक है, तो ये पूरा प्लान दिखा रखा है भाई, ये हेक्सागनल टाइप का हो तो, हेक्सागनल टाइप का हो तो यहाँ पे क्लीट यूज होगी, 1, 2, 3 और 4, चार क्लीट यूज होगी जो वैज शेप की होगी, ठीक है, ये अंदर जो है मतलब लाइन लाइन टाइप का दिखा रखा, मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये जितना भी है, ये सारा ये फॉर्मवर्क है, वुडन फॉर्मवर्क, ठीक है, ये जो शोर, ये क्लीट है, ये ठीक है। अब ये योक है, योक जो कहते हैं कि अगर बोल्टिंग के टाइम किसी मेंबर को बीच में लेके आए ना सपोर्टिंग के लिए, तो उसे योक कहते हैं, ठीक है, और ये वेजेस प्रोवाइड करके बोल्टिंग के लिए। तो बेसिकली जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम कोई भी फॉर्मवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनकी बोल्टिंग कर दो, आउटसाइड कॉलर प्रोवाइड कर दो। ये स्टेयर्स का बता रखा, स्टेयर्स में क्या होती है कि भाई स्टेयर्स में क्या होता है, जैसे हम बनाते हैं तो या तो इस तरह से स्टेयर्स बन सकती है, एक नीचे स्लैब प्रोवाइड कर दी, ठीक है, और उसके ऊपर हमें कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं इस तरह की वेज शेप की, ठीक है। इस वाली लेंथ को ट्रेड बोलते हैं और इस वाली लेंथ को राइज बोलते हैं, ये दिखा रखा है, ये वाली जो लेंथ है ना, ये हॉरिजॉन्टल वाली, इसको ट्रेड बोलते हैं, और जो मतलब जो हमारी हाइट है उसे राइज बोलते हैं, राइजर, ठीक है, ये ट्रेड है, ये राइजर है। तो इस तरह से हम मोल्ड भी हमारी इसी शेप में होगी, ठीक है, ट्रेड और राइजर की शेप में, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, कैंटिलीवर बीम के रेस्पेक्ट में भी बनाते हैं स्टेयर्स को, भाई एक तरफ से सपोर्टेड और एक तरफ से सपोर्टेड नहीं रहती, ठीक है, तो उसे बोल देंगे वो कैंटिलीवर वाली, मतलब अलग अलग तरह से आप स्टेयर केस बना सकते हो, स्लैब सपोर्टेड भी है, कैंटिलीवर भी है, ये कॉन्क्रीटिंग वाले के टर्म्स में है, स्टील और मतलब उनके टर्म्स में नहीं, जो स्टील की स्टेयर्स होती है वो अलग होगी। अभी अलग अलग तरह के फॉर्मवर्क है, उनके कंपैरिजन दे रखे हैं कि स्टील का किसके रेस्पेक्ट में बेटर होगा, टिम्बर के रेस्पेक्ट में क्या कंपैरिजन होगा, ठीक है। और इसमें यही बता रखा है कि जो फॉर्मवर्क होता है उसमें प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, कि भाई आप कितने हाइट से कॉन्क्रीट को पोर कर रहे हो, ज्यादा हाइट से कॉन्क्रीट को पोर करोगे तो भाई जो आपने क्या बोल सकते हैं कॉलर्स प्रोवाइड कर रखे उसे कॉन्क्रीट में, उनका ब्रेक ना हो जाए, कॉलर मतलब फॉर्मवर्क के आउटसाइड एक कॉलर होती है पट्टा टाइप का सा जो होगा, ठीक है। कॉन्क्रीट की पोरिंग रेट क्या है, कॉन्क्रीटिंग की पोरिंग रेट ज़्यादा तो नहीं है जितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसे, वेट ऑफ कॉन्क्रीट का कितना है, टेम्परेचर वेरिएशन किस लिए कह सकते हैं, वर्केबिलिटी के रेस्पेक्ट में, स्ट्रेंथ गेन के रेस्पेक्ट में कह सकते हैं। सीमेंट कौन सी यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, वाइब्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा वाइब्रेशन तो नहीं कर रहे जिससे हमारी बोल्टिंग रिमूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद में स्लंप कितना है, ठीक है, क्योंकि स्लंप के रेस्पेक्ट में देखना पड़ता है, क्योंकि मान लो हमारी मतलब वाटर प्रूफ होना चाहिए हमारा जो भी हमने क्या बना रखा है, जो फॉर्मवर्क प्रोवाइड कर, अगर ज्यादा स्लंप का है तो वाटर कहीं ना कहीं से पोर आउट हो जाएगा। अब फॉर्मवर्क के टाइम सेफ्टी, भाई हर तरह से हमें ध्यान रखना होगा कि भाई फॉर्मवर्क अच्छी तरह से बंद है नहीं है, पूरे जो कनेक्शन हमने बनाए हैं वो सही है नहीं है, जो हमने डिजायर्ड जो हमारी क्या बोल सकते हैं डायमेंशन है वो सही है या नहीं है, तो वो सब चेकिंग को क्या बोल देंगे उसमें फॉर्मवर्क की सेफ्टी, ठीक है, ये आप सब लोग एक बार पढ़ लेना।
फॉर्मवर्क में ध्यान क्या रखना है कि फॉर्मवर्क होता कैसे है। फॉर्मवर्क का मतलब क्या होता है, कंक्रीट को पोर करते हैं किसी भी, ठीक है, डिजायर्ड शेप को प्रोवाइड करने के लिए, उसे बोलते हैं हम फॉर्मवर्क। ठीक है, फॉर्मवर्क में हमारे को क्या क्या चाहिए भाई, क्या उसकी इकोनॉमी होनी चाहिए, क्या उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, क्या उसके टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर्मवर्क, क्या क्या टाइप के फॉर्मवर्क्स होते हैं, प्लास्टिक के, टिम्बर के, प्लाईवुड के, स्टील के, एल्यूमिनियम के। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मवर्क, हमने चलो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मवर्क हो गए, अब एक दो हमें छोटे मोटे डायग्राम पता होना चाहिए कि भाई कॉलम के रेस्पेक्ट हमने क्या किया है, एक कॉलम लगाए हैं, चार फॉर्मवर्क के फट्टे लगा दिए और उसमें फॉर्मवर्क प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और लास्ट में क्या होना चाहिए, प्रिकॉशंस, तीन चार प्रिकॉशंस, लेटरल प्रेशर वाले पॉइंट पता होना चाहिए भाई कि कौन कौन से लेटरल प्रेशर फॉर्मवर्क पे लगते हैं, कंक्रीट की पोरिंग रेट लगती है, कितने हाइट से उसको ड्रॉप कर रहे हैं वो लगती है, कंक्रीट की जो हमारी वेट है वो डिपेंड हो रहा है। ठीक है, वाइब्रेशन कितना कर रहे हैं हम उसमें, हमारा स्लंप का वेरिएशन क्या है, स्लंप इसलिए चेक कर रहे हैं क्या कि हमारा जो एक कंक्रीट लिक्विड की तरह हो, तो हमारा कंक्रीट पूरा जो फॉर्मवर्क है वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। अब अगला पार्ट है कंक्रीट को कंपैक्ट करना। ठीक है, तो कंक्रीट को कंपैक्ट इसलिए करते हैं ताकि जो उसमें वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं वो फिलअप हो जाए, जो एयर जो उसमें ट्रैप्ड होती है वो उसको वाइब्रेट करने के बाद में वो सारी एयर रिमूव हो जाए। बेसिकली वो ही मतलब होता है कंक्रीट की, जो हमारा क्या बोल सकते हैं, कंपैक्शन करने का मेन मुद्दा वही होता है, मतलब कंपैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग द एंट्रैप्ड एयर। अगर एयर को एक्सपेल नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाता है, हनी कॉम्बिंग हो जाती है, रिड्यूस स्ट्रेंथ हो जाती है। ठीक है, हमारी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी उससे रेस्पेक्ट में। अब इसने बोला है कि कंपैक्टिंग के टाइम क्या क्या हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कंपैक्टिंग के टाइम हम री इन्फोर्समेंट ऑफ फॉर्मवर्क को कैसे ना कैसे मूव ना कर दें कंपैक्टिंग के टाइम, वो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, दिस कॉन्क्रीट मस्ट बी पोर थ्रू फॉर्मवर्क शो एट द फिनिश सरफेस विल बी, हम कर क्यों रहे कंपैक्टिंग, ताकि जो भी हमारा जो सरफेस बने वो इवन बने। ठीक है, वो फ्री फ्रॉम हनी कॉम्बिंग हो, एंट्रैप्ड एयर का रिमूवल हो, एयर वॉइड्स डिक्रीज हो जाए, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, सॉरी परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी मतलब उसमें वॉइड्स ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, जो कॉन्क्रीट की ड्यूरेबिलिटी हो जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर एयर वॉइड्स ज़्यादा है तो हमारा जो क्या होगा कि जो स्टील रीइंफोर्स्ड उन्हें प्रोवाइड होगी उसके कोरोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हमारी अगर एयर वॉइड्स जो हमारे कंक्रीट मतलब जो हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड है उसके आसपास है, नियर बाई है, तो हमारी बोन स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। जो बोन स्ट्रेंथ होगी ना जो रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में, वो रिमूव मतलब कम हो जाएगी। हम कंपैक्शन कैसे कर सकते हैं, कंपैक्शन हम रोड से कर सकते हैं। ठीक है, रोडिंग से हमने कर रखा है कंपैक्शन में, हमने टैंपिंग रोड लेयर की थी, हमने टैंपिंग रोड से मार रहे थे कोई भी चीज़ को कंपैक्ट करने के लिए, हमने एग्रीगेट का रेस्पेक्ट में टेस्ट किया था, बल्क डेंसिटी निकालने का उस टाइम दिया था हमने। ठीक है, तो रोडिंग, रैमिंग, रैमिंग में क्या होगा, एक रैमर लेते हैं हम, उसमें रैमर कुछ नहीं होता, मतलब एक डंडा होगा उसमें नीचे जो है उसका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो उसे बोले लेंगे रैमर, जहां पर भी कॉन्क्रीट हमें करनी होगी वहां से कॉन्क्रीट को रैम करके मार के, ठीक है, उसे हम रैमिंग कर लेंगे, मतलब जो है कंपैक्शन कर लेंगे, ये हैंड कंपैक्शन के मेथड है। ठीक है, और हो गए हमारे इंटरनल वाइब्रेटर। तो सबसे पहले होता है हमारा एक नीडल वाइब्रेटर, नीडल वाइब्रेटर देखो, ये देखो रैमिंग कर रखी, एक्स का एग्जांपल दिखा रखे। ठीक है, ये अपने हाथ से रोड से रैमिंग कर रहा। ठीक है, वाइब्रेशन, अब सबसे पहले है हमारा वाइब्रेशन, वाइब्रेट जब भी हम करेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेट करेगा वो हिलेगा, और उसके बाद जो एयर जो है हमारी ऊपर आ जाती है, उससे जो भी एयर होती है उसमें प्रति, सबसे पहला होता है हमारा नीडल वाइब्रेटर। ठीक है, नीडल वाइब्रेटर आपको शुरू करता था इस वाले केस में, ये रहा नीडल वाइब्रेटर, कुछ नहीं होता उसमें, क्या होता है ये जो है एक तरह से नीडल होती है, हम इसको कॉन्क्रीट के सरफेस के अंदर डाल देते हैं, ये जो है ना ये, ठीक है, इसे हम कॉन्क्रीट के सरफेस के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, डालने से क्या होगा कि ये पूरा चीज वाइब्रेट करती रहती है,
तो जो भी नियर बाई का एरिया होगा ना 0.5 to 1 meter का सर्कुलर एरिया, वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम एक ही जगह पे 8 या 9 बार करते हैं, ठीक है, ताकि जो भी हमारी कंक्रीट वहाँ की वाइब्रेट हो जाए। ये स्लैब के केस में यूज करते हैं ज्यादातर, तो नीडल वाइब्रेटर। मैकेनिकल कंपैक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम मशीन का यूज करने हैं किसी को कंपैक्शन में, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है नीडल वाइब्रेटर, ठीक है, इस तरह का वर्क है, इसमें दिखा रखा है फोटो में, ये यहाँ यूज हो रहा है नीडल वाइब्रेटर। इसे पोकर वाइब्रेटर भी कहते हैं, मतलब इसमें किसी भी कंक्रीट होती है उसके सरफेस में पोक करते हैं और वो वहां से उसे वाइब्रेट कर देता है। होम वाइब्रेशन, ये एक्सटर्नल टाइप का वाइब्रेटर होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम शटरिंग पे वाइब्रेटर लगाते हैं, ठीक है, तो शटरिंग पे वाइब्रेटर क्या होगा, पूरी शटरिंग जो है हमारी वो हिलती रहती है एक तरह से थोड़ी थोड़ी, तो उसे बोलते हैं होम वाइब्रेशन, ठीक है। लेकिन ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत सरफेस पे इफेक्टिव रहता है, इतना ज़्यादा कोई इफेक्टिव नहीं रहता ये। स्क्रीड वाइब्रेटर क्या होता है, एक तरह से सरफेस वाइब्रेटर होता है, ये जो दिख रहा है आपको एक सरफेस वाइब्रेटर होता है एक तरह से। उसमें क्या होता है, एक पट्टा लगा होता है, ऊपर से वाइब्रेशन हो रही होती है, मतलब ऊपर जो हमारा कंक्रीट की जो सरफेसिंग होती है ना, मतलब जो हम क्या बोल सकते हैं फाइनल फिनिशिंग जो होती है वो प्रोवाइड करने के लिए हम कंक्रीट का ये यहाँ दिखा रखा, ये यूज होते हैं स्क्रीड वाइब्रेटर। इसमें क्या होगा, सरफेसिंग प्रोवाइड करने के लिए जो वाइब्रेटर यूज हो रहे हैं उसे बोलेंगे स्क्रीड वाइब्रेटर, मतलब एक हॉरिजॉन्टल इवन सरफेस प्रोवाइड करने के टाइम। पेमेंट्स में यूज होता है, सड़कों पे और किसी भी स्लैब पे यूज होगा स्क्रीड वाइब्रेटर। ठीक है, टेबल वाइब्रेशन, जो मेन लेबोरेटरी में जो टेबल्स यूज होती है, ठीक है, वो टेबल वाइब्रेटर। और प्लेटफॉर्म वाइब्रेशन, प्लेटफॉर्म वाइब्रेशन में कुछ नहीं होता, नीचे एक मोटर लगी होती है और ऊपर एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है, उस पर हम कॉन्क्रीट के जो भी पोरिंग कर रहे होते हैं वो पूरा ही वाइब्रेट करता है एक साथ। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन कौन से तरह के वाइब्रेटर होते हैं, ठीक है, ठीक है, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और हर हर में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कौन कौन से कैसे कैसे यूज होता है। जैसे नीडल वाइब्रेटर की डायमीटर वेरी करती है 20 to 75 mm, लेंथ होती है 25 cm to 90 cm। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसका मतलब रेडियस ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब कितनी दूर तक इफेक्टिव रहता है, 0.5 to 1 meter तक रहता है, और हर में हमें 8 to 10 times उसमें एक ही जगह पे उसे पोक करना चाहिए, ठीक है, हर एक का मतलब एक बार जितनी देर पोक करें उसका टाइम पीरियड 30 सेकंड से 2 मिनट के बीच में होना चाहिए, इस तरह से हमें पोक करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें कुछ चीजें उसकी जो फंक्शन होते हैं वो भी रिक्वायरमेंट हमें पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। फॉर्म वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, फिर फॉर्म वाइब्रेशन इफेक्टिव होता है नहीं होता, फॉर्म वाइब्रेशन इतना इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, स्क्रीड वाइब्रेटर का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज हो पाता है स्क्रीड वाइब्रेटर, किस लिए यूज होता है, लेवलिंग मतलब एक सरफेस लेवल सरफेस प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। टेबल वाइब्रेशन, लेबोरेटरी में जो टेबल यूज होती है वाइब्रेट करने के लिए टेबल वाइब्रेशन है। प्लेटफॉर्म वाइब्रेशन, लार्ज एक प्लेटफॉर्म होता है जो वाइब्रेट करता है, जो स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, अब अगला क्या है, व्हेन कंक्रीट इज कंपैक्टेड, तो प्रिकॉशंस दे रखी है इसमें, ठीक है, कि हमें इतना भी ज्यादा उसे कंपैक्शन नहीं होना चाहिए, करना नहीं चाहिए कि ब्लीडिंग हो जाए, ब्लीडिंग मतलब सारा पानी ऊपर आ जाए और सेग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद में हमें जो कंपैक्शन होता है हर एक लेयर पे कंपैक्ट करना चाहिए, हर एक लेयर को कंपैक्शन होना चाहिए, ठीक है,
जो भी वाइब्रेशन करें हर एक लेयर का होना चाहिए, और वाइब्रेशन का एक सर्टेन टाइम पीरियड है, मतलब 30 से 60 सेकंड तक हमें वाइब्रेशन करना चाहिए, ठीक है। और जो वाइब्रेटर का जो इंसर्शन होना चाहिए वो क्विक होना चाहिए, और जो रिमूवल होना चाहिए वो स्लो होना चाहिए, ताकि एयर जो है हमारी दोबारा अंदर ना जा पाए, ठीक है। इस तरह से इसमें वाइब्रेशन के अलग अलग प्रिकॉशंस दे रखे हैं हमें। वाइब्रेटर को जो है हमारा री इन्फोर्समेंट और फॉर्मवर्क के साथ टच नहीं करना चाहिए। अब लास्ट है हमारा फिनिशिंग ऑफ कॉन्क्रीट सरफेस। तो ठीक है, स्क्रीडिंग जो हमने देख ली एक तरह से कि लेवलिंग सरफेस जो प्रोवाइड करेंगे किसी सरफेस को, ठीक है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि भाई इसमें क्या होगा, एक जो प्लेटफॉर्म यूज करेगा और उससे जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोवाइड करेगा। इधर बताओ मुझे कोई डाउट है तुम्हें। नो सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं आगे।